किसान अंदोलन के सोशल मीडिया की ताकत को देखदा सरकार नवा शिकंजा कसन जा रही है। हम पासपोर्ट जारी करने तो पहले थोड़िया सोशल मीडिया से पोस्टा देखी जाम उत्तराखंड लागू हो रहे हैं। उत्तराखंड के DGP अशोक कुमार ने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफार्मा की वादी दुर्वरतों से रोकने पासपोर्ट बिना करने के इन्होंने मंचों उत्ते व्यवहार की जांच अभावों की जरूरत है। उत्तराखंड पुलिस ने पिछले DGP की प्रधानगी हेठ हुई मीटिंग में पासपोर्ट बिना कर पुलिस तस्दीक प्रक्रिया अधीन उसके सोशल मीडिया व्यवहार की जांच करने का फैसला लिया। इस फैसले को दुरुस्त करार देंदया DGP ने कहा कि सोशल मीडिया की वादी दुर्वरतों को रोकने इस उपाय की जरूरत है। DGP ने इस गल का खंडन किया कि उन्होंने नवे या सख्त कदम की शुरुआत की है और कहा कि उन्होंने पासपोर्ट कानून में इस संबंधी पहले तो मौजूद व्यवस्था को सिर्फ लागू करने बारे कहा है। उन्होंने कहा कि पासपोर्ट कानून में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल किसी भी व्यक्ति को पासपोर्ट जारी ना किए जाने की व्यवस्था है। उन्होंने कहा कि वह इस स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि उन्होंने पहले तो बने नियम की पालना यकीनी बनाना शुरू की है। यह नियम का वर्णन पहले तो दिते जांच फार्म के विच है। पासपोर्ट बनने संबंधी जांच प्रक्रिया के दौरान कोई गतिविधि राष्ट्र की प्रभुसत्ता से अखंडता विरुद्ध पाई जाती है तो उस व्यक्ति की तस्दीक नहीं की जाएगी। ये पूछे जाने कि बीती 26 जनवरी दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान किसी तौर उत्ते तनाव बढ़ाने उच्च सोशल मीडिया की वरतों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। तो DGP ने कहा कि सोशल मीडिया की वादी दुर्वरतों को निरुत्साहित करने अजिहा डर बहुत जरूरी है। हुण तक पुलिस खास तौर पर यह जांच करती थी कि पासपोर्ट बिनाकार विरुद्ध कित कोई FIR तो दर्ज नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट आवाज़ कम TV। किसान अंदोलन के सोशल मीडिया की ताकत को देखदा सरकार नवा शिकंजा कसन जा रही है। हुण पासपोर्ट जारी करने तो पहले थोड़िया सोशल मीडिया से पोस्टा देखी जाम उत्तराखंड लागू हो रहे हैं। उत्तराखंड के DGP अशोक कुमार ने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफार्मा की वादी दुरवरतों से रोकने पासपोर्ट बिना करने के इन मंचों उत्ते व्यवहार की जांच अभावों की जरूरत है। उत्तराखंड पुलिस ने पिछले DGP की प्रधानगी हेठ हुई मीटिंग में पासपोर्ट बिना कर पुलिस तस्दीक प्रक्रिया अधीन उसके सोशल मीडिया व्यवहार की जांच करने का फैसला लिया। इस फैसले को दुरुस्त करार देंदया DGP ने कहा कि सोशल मीडिया की वादी दुरवरतों को रोकने इस उपाय की जरूरत है। DGP ने इस गल का खंडन किया कि उन्होंने नवे या सख्त कदम की शुरुआत की है और कहा कि उन्होंने पासपोर्ट कानून में इस संबंधी पहले तो मौजूद व्यवस्था को सिर्फ लागू करने बारे कहा है। उन्होंने कहा कि पासपोर्ट कानून में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल किसी भी व्यक्ति को पासपोर्ट जारी ना किए जाने की व्यवस्था है। उन्होंने कहा कि वह इस स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि उन्होंने पहले तो बने नियम की पालना यकीनी बनाना शुरू की है। यह नियम का वर्णन पहले तो दिते जांच फार्म के विच है। पासपोर्ट बनने संबंधी जांच प्रक्रिया के दौरान कोई गतिविधि राष्ट्र की प्रभुसत्ता से अखंडता विरुद्ध पाई जाती है तो उस व्यक्ति की तस्दीक नहीं की जाएगी। ये पूछे जाने कि बीती 26 जनवरी दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान किसी तौर उत्ते तनाव बढ़ाने उच्च सोशल मीडिया की वरतों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। तो DGP ने कहा कि सोशल मीडिया की वादी दुरवरतों को निरुत्साहित करने अजिहा डर बहुत जरूरी है। हुण तक पुलिस खास तौर पर यह जांच करती थी कि पासपोर्ट बिनाकार विरुद्ध कित कोई FIR तो दर्ज नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट आवाज़ कम TV।